आज हम लोग यहाँ पे महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के निमित्त यहाँ पे कन्नमौर नगर 2 यहाँ पे पूरा स्लम एरिया है, यहाँ पे राजकुमार टाक जी ने यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए नोटबुक पेन और मास्क का वाटप रखा है और वो कार्यक्रम में उन्होंने हम लोग को सबको बुलाया, तो यहाँ पे मैं उनका सबका मतलब सबके वती से उनको धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग को यहाँ पे आपने बुलाया। दूसरा चीज़ मतलब हमेशा राजकुमार जी कुछ ना कुछ ये समाज के लिए, यहाँ पे जो समाज है सभी सब मिक्स समाज है सबके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्यक्रम हमेशा करते हैं। ऐसे उन्होंने आगे का भी कार्यक्रम करना चाहिए और करते रहेंगे, उनको मैं आगे के इसके लिए शुभकामनाएं देती हूँ। और दूसरा मतलब मेरा भी वैक्सीनेशन सेंटर चालू है, महाराष्ट्र बैंक के बाजू में रेमेडीज पाटिल कंपाउंड है, वहाँ पे सभी लोग वहाँ पे आके जिसका जिसका मतलब बाकी है फर्स्ट डोज सेकेंड डोज वो भी आना चाहिए और वो भी होना चाहिए क्योंकि अभी वैक्सीनेशन से मतलब लेना ज़रूरी है और लेडीज़ लोग बाहर नहीं निकलते। लेडीज़ लोग अभी भी मतलब बहुत से ऐसे लेडीज़ लोग हैं कि देखते लेऊँ कि नहीं लेऊँ ये सब चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जैसा अपना मतलब सरकार के हिसाब से जो चल रहा है या उनके तरफ से जो बातें आती है तो अपने को उसके ऊपर फॉलोअप करना ज़रूरी है, तो वैक्सीनेशन से लेना वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। तो लेडीज़ लोग ने ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर पे कहाँ भी मतलब उनको अवेलेबल है तो वहाँ पे उन्होंने लेना ज़रूरी है। और मेरे तरफ से बीएमसी के माध्यम से मेरे वार्ड में 119 जितना काम हो सके समाज के लिए जितना अच्छा विकास होता है उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ। मेरे साथ मेरे वार्ड अध्यक्ष सूरज लीलान जी है और विनायक खुरे जी है, अन्ना मुए पाटिल है, ये लोग सब लोग मतलब सभी लोग हैं ऐसे, तो सब लोग मुझे बहुत सहकार्य करते हैं इसके हिसाब उनके सबके मतलब मेहनत के हिसाब से मेरे वार्ड में बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है। लोगों तक जाना, लोगों तक मतलब छोटी मोटी जो भी चीज़ें हैं लोगों की या लोगों की छोटी मोटी परेशानी भी है वो भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लोग ज़्यादा करके मतलब ऑफिस में आके चल रहा है, रेशनिंग का काम चलता है, उसके साथ साथ लोगों को उत्पन्न का दाखिला चाहिए वो सब होता है, बैंक का किसी का काम रहता है वो होता है, मतलब छोटी छोटी हर चीज़ मतलब मेरे ऑफिस से होती है और उसके लिए मेरे साथ के जितने भी सहकारी लोग हैं सब मतलब लोगों के मतलब संपर्क में रह के उनका मतलब उनको सबको सहयोग करते। आज यहाँ पे मेरे साथ केती सांगरे मैडम भी है, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और उनको भी मैं आज मतलब शुभेच्छा देती हूँ उनके आगे के मतलब पॉलिटिकली लाइफ के लिए। आज वो भी पहली बार और उन्होंने मतलब शुरुआत की है तो उनकी शुरुआत में भी उनको सफलता मिली और यहाँ पे हम लोग को सबको राजकुमार टाक जी और मेरे साथ भी राजकुमार टाक जी भी है, उनका वाल्मीकि समाज बहुत बड़ा इधर है तो वो समाज में और मेरे इधर भी वो समाज बहुत बड़ा है और वही लोग मेरे साथ ज़्यादा जुड़े और वो मुझे इतना मतलब मेरे घर के जैसे सब लोग हैं। राजकुमार जी भी मेरे एकदम घर के जैसे ही है और मतलब हम लोग पूरी फैमिली जैसे इधर रहते हैं और उनका हर प्रोग्राम में वो मुझे मतलब खास करके बुलाते हैं और मैं भी उनका प्रोग्राम में राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की सभी को शुभकामनाएं। नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड अकेडमी की तरफ से आज जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है ये किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं होता है, ये सभी जो गुणी यहाँ पे नवरत्न खड़े हैं ये सभी का यहाँ पे सपोर्ट होता है, सभी की मदद होती है, सभी की सहायता होती है। और नेल्सन मंडेला एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके लिए अमूल्य लोग जो आज ये मेरे साथ में खड़े हैं इनकी सहायता इनकी मदद से कुछ दाताओं की मदद से हम छोटा छोटा ये प्रोग्राम कर लेते हैं। पूरे देश को पूरे विश्व को जिन्होंने एक अच्छा रास्ता दिखाया, जिन्होंने अहिंसा ये शब्द इससे पहले मुझे नहीं मालूम कितने लोग जानते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आज जयंती है और ज़्यादा कुछ बोलने के लिए मेरे पास है नहीं क्योंकि मैं कोई अच्छा प्रचारक नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा कि अगर किसी भी तरह का सॉल्यूशन ये इस भारत देश को आगे बढ़ने की ज़रूरत है तो वो दो ही है, एक शिक्षा और एक अहिंसा। हिंसा से कुछ भी कहीं भी हासिल नहीं हुआ ये इतिहास है और आज दो जो भारत के सबसे शक्तिशाली जो लोग थे लाल बहादुर शास्त्री जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, इनके कुछ निम्न
और कुछ छोटे छोटे विचारों से भी अगर आज की जनरेशन, आज की पीढ़ी कुछ लेके चले तो भी भारत देश का नाम पूरे विश्व में एकदम सम्मान से और शानदार तरीके से लिया जाएगा। सभी को मैं शुभेच्छा देता हूँ, ये सभी लोग आए, इन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ और सभी को शुभेच्छा देता हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लोग हैं हमारे यहाँ पे, मैं गरीब नहीं बोलूंगा लेकिन ये हमारे बच्चे लोग हैं, ये हमारी फैमिली के हैं, तो इनको हमने बुक, पेन और एक मास्क ये बच्चे लोगों को हमने वितरण किया है। सगळ्या मान्यवरांचे सर्वप्रथम इथे आभार की मला इथे बोलवल्याबद्दल। माझं नाव केतकी अरविंद सांगळे, विक्रोळी विधानसभा महामंत्री BJP। आता सध्या राजकुमार टक साहेबांनी जे म्हणजे आमचे भाऊ आहेत ते, जरी त्यांना साहेब म्हणतात इथे खूप जण, तरी राजकुमार टक भाऊ आहेत, त्यांनी आपल्या परिसरात प्रत्येक वेळेला म्हणजे वाल्मिकी समाज असो किंवा इतर काही प्रोग्राम असो, त्या प्रत्येक प्रोग्राममध्ये आपल्या जवळपासच्या एरियाला कसं सक्षम बनवता येईल, आपल्या इकडच्या लहान मुलांची डेव्हलपमेंट कशी होईल याबद्दल सतत विचार केला। छोट्या छोट्या विषयांना का होईना पण ते लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत, त्यांच्याशी कनेक्शन कसं करायचं हे भाऊंकडनं शिकण्यासारखी खूप मोठी गोष्ट आहे। आज महात्मा गांधीजींची जयंती आणि लाल बहादूर शास्त्री यांच्या जयंती निमित्त आपल्या सर्वांना इथे एक बोलवणं हे देखील खूप मोठी अचीवमेंट होती की भाऊंनी म्हणजे रहाटे ताई आहेत, मुळे भाऊ आहेत किंवा इतर सगळे मेंबर आहेत त्या सगळ्यांना एकत्र बोलवलं। त्या संदर्भाने आम्ही परत एकमेकांशी जुळत जातोय, एक एकजूट व्हायला लागते, हे खूप महत्त्वाचं असतं। आत्ताच्या ह्याच्यात राजकारण हे खूप वेगळ्या वळणाने जातंय, म्हणजे वेगळा पक्ष म्हटलं की राजकारणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन चेंज होतो की हा वेगळ्या पक्षाचा तो वेगळ्या पक्षाचा, पण असे काही समाजसेवक आहेत आपल्याकडे ते इतर पक्षांना जोडण्याचं एक सुंदर काम करतात, हे उत्तम एक असं उदाहरण आहे की रहाटे ताई, मी किंवा भाऊ आहे किंवा राजकुमार यांना एकत्र आणण्यासाठी जे भाऊ प्रयत्न करतायत, आणि अशा थोर पुरुषांच्या जयंतीनिमित्त आपण एकत्र जमतोय, ह्याचा अर्थ जे बापूजींनी आत्तापर्यंत आपल्याला सांगितलं की अहिंसा कंट्रोल करा, म्हणजे सांभाळा की आपण कसं वागलं पाहिजे, लोकांशी प्रेम कसं वाटलं पाहिजे, तर असे छोटे छोटे उपक्रम लाभवून हे जे राजकुमार भाऊंनी आता इथे दाखवून दिलं आहे की आपण सगळे एकत्र येऊन समाजासाठी काहीतरी करू शकतो, आणि मेन आपलं पहिलं धोरण हेच असलं पाहिजे की आपण समाजासाठी बांधील आहोत, राजकारण हा विषय सेकंडरी पार्ट, पहिला समाज आला पाहिजे, आणि प्रत्येक वेळेला हे त्यांच्या वागण्यात ना त्यांच्या बोलण्यात ना हे जाणवतं। परत रहाटे ताई पण प्रत्येक वेळेला आवर्जून प्रत्येक प्रोग्रामला येतात, याबद्दल ताईंचे पण आभार, तुम्ही कन्नवरमध्ये प्रत्येक प्रोग्रामला हजेरी लावता, टागोरनगरचं सांभाळतात उत्तम पण कन्नवरमध्ये पण प्रत्येक वेळेला हजेरी लावतात, त्याबद्दल कन्नवरवासियांकडनं मी ताईंचा आभार मानते।